यूक्रेन में रूस की ओर से आक्रामक रवैया जारी रखने के बीच बड़ी संख्या में भारतीय स्टूडेंट अब भी यूक्रेन में फंसे हुए हैं। वो सुरक्षित स्वदेश वापस आने की भारत सरकार से लगातार गुहार लगा रहे हैं। यूक्रेन के खार्किव में फंसे करीब 900 भारतीय स्टूडेंट बमबारी के बीच अटक गए हैं। इन्हीं में से एक राजस्थान के सीकर के रहने वाले राहुल ने बताया कि खाना पीना भी नहीं मिल रहा। राहुल ने मदद की गुहार लगाई है। आप भी सुनिए कि आखिर यूक्रेन में राहुल ने क्या कुछ कहा। मैं राहुल, सिक्कर राजस्थान से। हम सारे केएनयू के स्टूडेंट्स हैं। हम कल सुबह हॉस्टल नंबर 5 केएनयू से निकले थे मेट्रो स्टेशन के लिए, लेकिन जब तक मेट्रो पहुंचते उससे पहले सेलिंग वगैरह स्टार्ट हो गई थी। और न हमें मेट्रो यानी कि ट्रेन में न तो हमें चढ़ने दिया गया था। उसके बाद में सेलिंग स्टार्ट होने के डर की वजह से हम मेट्रो स्टेशन में पहुंचे। फिर हमें पता चला कि यहाँ आज यानी कि एडवाइजरी आई थी, तो उन्होंने बोला कि आज खार्किव खत्म हो सकता है। तो हम वहाँ से किसी सेफ पैलेस के लिए भागे। सारे बच्चे लगभग 800 से 900 बच्चे थे, लेकिन रास्ते में ही सेलिंग स्टार्ट हो गई थी। एक सेलिंग तो इतनी पास थी कि 70 से 80 मीटर वहाँ से, तो हम बाल बाल बचे। फिर हम एक सेफ पैलेस भी पहुँचे पिसाचू में। इन्होंने बोला कि ये नो वार जोन है किसी ने, लेकिन ये कोई नो वार जोन नहीं है। कम से कम 10 से 15 बॉम्ब गिर चुके हैं सुबह से। न हमने खाना खाया, न कोई पानी पिया, कि 2-3 दिन हो गए हमें खाना पानी पिए। जो पानी लेके आए थे बॉम्बिंग की वजह से, इतना डर में सारे बच्चों का पानी खाना सारा बीच में ही रह गया है। और हम ये चाहते हैं कि इंडियन एम्बेसी हमारी जल्द से जल्द मदद करे, लेकिन हम आज हमें ये लग रहा है कि हमारा ये लास्ट दिन है। कल बचे या न बचे, क्योंकि इतनी हैवी बॉम्बिंग यहाँ हो रही है कुछ पता नहीं।